कि भाई चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने आम आदमी की आवाज को उठाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, उनकी आवाज और उनके विश्वास को जीतने के लिए 16 महीने जेल में रहे, आप सभी जानते हैं। और वो केवल दलित अल्पसंख्यक या पिछड़ा वर्ग के नेता नहीं है, आज उन्होंने अपने कामों से, अपने विचारों से और अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाकर छत्तीस बरादरी के सर्वमान्य नेता के रूप में बहुत मजबूती से जितने कदम उठाए, हमारे चीफ, हमारे सुप्रीमो भाई चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं। मैं आपको बता दूं कि जब सरकार ने किसी भी खिलाड़ी का, कभी भी किसानों का या किसी भी आम आदमी का उसका हक या उनका गला दबाने की कोशिश की है, तो उनमें सबसे पहले छाती से छाती अड़ाने वाला जो नेता था वो आपका बेटा, इस धरती का लाल भाई चंद्रशेखर आजाद था। आप भूले नहीं होंगे कि किसानों की आवाज को उन्होंने उठाया, बहन सौगात और कितने सारे खिलाड़ियों का जंतर मंतर पर धरना दिया, उनके हक में बोले। और अभी संसद के सत्र में किसानों की मांग को, हरियाणा की बात को प्रमुखता से उठाने में जो भाई चंद्रशेखर ने बात रखी है, ये समाज, हम सब, ये देश जन्म जन्म और कोटि कोटि उनको प्रणाम करता है। कि जब किसानों की बात आई मोहना धरने में, 11 महीने से हमारे किसान भाई धरने पर बैठे हुए हैं, उसमें किसान भाइयों के साथ में खड़ा होने में पहला मुकदमा दर्ज कराने वाला भाई राजेश सेवतिया था। सरकार से कहना चाहता हूँ, हजारों मुकदमे दर्ज कर दो, मैं घबराने वाला नहीं हूँ, किसी और व्यक्ति का बना हूँ सरदार। मैं अनुरोध करूंगा भाई राजेश सेवतिया जी, आप ज्यादा विलम्ब ना करें और कृपया मंच के सम्मुख आकर के हमारी जनता जनार्दन को संबोधन करें, जबकि आप ही के लिए अपना कीमती समय निकाल करके सारे क्षेत्र की जनता आपके बीच में आई है। एडवोकेट राजेश सेवतिया जी, आपसे मेरा अनुरोध है, कृपया आप आए और जनता जनार्दन को संबोधित करें दो शब्दों के माध्यम से। हाँ, जनता को संबोधित करें, आइए राजेश भाई। थोड़ा साइड हो जाओ तो कर लो, हो गया तो फोटो। नमस्कार, परम आदर और सम्मान के योग्य, आज पिटला विधानसभा के ऐतिहासिक गांव पहलवान बम्बोली और रंगलाल की जन्मभूमि करम सतली और बाबा उदासनाथ और फलाली बाबा के आशीर्वाद से इस ऐतिहासिक गांव में मैं सर्वप्रथम आजाद समाज पार्टी के हमारे स्टेट के प्रभारी डॉक्टर धर्मवीर परवाल जी, भाई नरेश सागर जिला प्रभारी फरीदाबाद और इंचार्ज पटला, भाई सुशील कुमार जिलाध्यक्ष भीम आर्मी फरीदाबाद, सुनील कुमार जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी फरीदाबाद, लक्ष्मी चंद पटला विधानसभा अध्यक्ष, सोनू कबीर पंथी जी गांव के सरपंच भाई प्रथम डागर, और मंच पर उपस्थित आज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समस्त पदाधिकारी और आसपास के इलाकों से आए हुए समस्त सरपंच, चेयरमैन, मेंबर्स और जिला परिषद के सदस्य, और इस पार्टी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं का यहाँ ऐतिहासिक गांव में पधारने पर मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने आम आदमी की आवाज को उठाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, उनकी आवाज और उनके विश्वास को जीतने के लिए 16 महीने जेल में रहे, आप सभी जानते हैं। और वो केवल दलित अल्पसंख्यक या पिछड़ा वर्ग के नेता नहीं है, आज उन्होंने अपने कामों से, अपने विचारों से और अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाकर 36 बरादरी के सर्वमान्य नेता के रूप में
बहुत मजबूती से जिसने कदम उठाए वो भाई डॉक्टर धर्मवीर परवाल स्टेट प्रभारी और हमारे चीफ हमारे सुप्रीमो भाई चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं। मैं आपको बता दूं कि जब 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 सरकार ने किसी भी खिलाड़ी का कभी भी किसानों का या किसी भी आम आदमी का उसका हक या उनका गला दबाने की कोशिश की है तो उनमें सबसे पहले छाती से छाती अड़ाने वाला जो नेता था वो आपका बेटा इस धरती का लाल भाई चंद्रशेखर आजाद था। आप भूले नहीं होंगे कि किसानों की आवाज को उन्होंने उठाया, बहन फोगाट और कितने सारे खिलाड़ियों का जंतर मंतर पर धरना दिया, उनके हक में बोले और अभी संसद के सत्र में किसानों की मांग को और हरियाणा की बात को प्रमुखता से उठाने में जो भाई चंद्रशेखर ने बात रखी है, ये समाज हम सब ये देश जन्म जन्म और कोटि कोटि उनको प्रणाम करता है कि ऐसी शख्सियत जो ईमानदारी ईमानदारी और जुल्म के खिलाफ एक मजबूत आवाज बन के खड़ी है उसका नाम है भाई चंद्रशेखर आजाद। ये तो हो गई पार्टी की बात। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर बता दूं, आज हमारे मुख्य अतिथि भाई डॉक्टर धर्मवीर परवाल प्रभारी फरीदाबाद आजाद प्रभारी स्टेट ऑफ हरियाणा आजाद समाज पार्टी जिनके हाथों में भाई चंद्रशेखर आजाद ने पूरी जिम्मेवारी दे रखी है, हम आपको भरोसा देते हैं प्रभारी जी जो भी आपका फैसला होगा उसके साथ में हम और हमारी टीम मजबूती के साथ में खड़ी है। अब मैं आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें किसी भी नेता ने किसी भी व्यक्ति ने आम जन की उपेक्षा पर उतर कर जन भावनाओं के सम्मान में कोई मैं कह रहा हूँ कमी की बात तो छोड़ो, उस तरफ आंखों से देखना भी उन्होंने एक उनका नसीब नहीं हुआ। आप सब हैं मंत्री, आप बनाते हैं, आपसे बनते हैं, आप इस विचारधारा के साथ में जुड़े हैं और हजारों की संख्या में आए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ और आप सबसे कहता हूँ मेरा कोटि कोटि इस विचारधारा को बढ़ाने में और आप सबकी सेवा करने में राजेश तेवतिया का जुड़ा होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब किसानों की बात आई मोहना धरने में 11 महीने से हमारे किसान भाई धरने पर बैठे हुए हैं, उसमें किसान भाइयों के साथ में खड़ा होने में पहला मुकदमा दर्ज कराने वाला आपका भाई राजेश तेवतिया था। सरकार से कहना चाहता हूँ हजारों मुकदमे दर्ज कर दो, मैं घबराने वाला नहीं हूँ, किसी और व्यक्ति का बना हूँ सिरदारों, आखिरी सांस तक जोर और जुल्म तक लड़ूंगा। जब तक गरीब आम आदमी और 36 बरादरी के हितों को मैं सुनिश्चित नहीं कर देता, जब तक भगवान से कह दूंगा कि भगवान मेरी मौत भी ना आ जाए, क्योंकि मेरी जरूरत इस समाज को है, आपको है, आपकी लड़ाई लड़ूंगा, आपके सम्मान की लड़ाई लड़ूंगा, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ूंगा। और जो भी यहाँ व्यक्ति आए कहने को तो मेरे पास में बहुत कुछ है, टाइम भी बहुत कम है क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया, आप सभी बहुत टाइम से यहाँ बैठे हैं, उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे माफी मांगता हूँ। तो आप सभी हाथ उठा करके हैं प्रभारी जी को और सारी टीम को दिखाएं कि यदि इनका किसी भी प्रकार से भरोसा आपके बेटे आपके भाई पर जमता है तो आप लोग इनको खुला समर्थन देंगे और यदि कोई भी बात रहती है तब भी इस पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने के लिए एक एक कार्यकर्ता भाई चंद्रशेखर आजाद और डॉक्टर धर्मवीर परवाल की तरह काम करेगा। हाथ उठा के सब भाई एक बार दोनों हाथ उठा कर ये समर्पण करें कि आने वाले विधानसभा क्षेत्र के चुनावों में तन मन धन से एडवोकेट राजेश तेवतिया जी के साथ में खड़े हैं। मैं आप सब खाने खाने को भी प्लेट खाना मेरा प्लेट हाथ में लेके कर दो, खराब आ बहुत अच्छा। आप सभी का बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं तहे दिल से अपने समस्त पदाधिकारियों का गांव अलावलपुर में पहुंचने पर विशेषकर गांव के सरपंच और सारी विधानसभा से आए हुए सरपंच पूर्व सरपंच ब्लॉक चेयरमैन और जिला परिषद के सदस्य और हर आम आदमी का जिस
जिसने इस आवाज में आवाज मिलाने का जो काम किया है उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। लो क्षेत्र की तस्वीर कैसे बदलेगी, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे महिला सम्मान की बात हो, चाहे खेल की बात हो, कंधे से कंधा मिलाकर आप साथ देंगे।